ये जो तुम कर रहे हो ना अयोध्या, ठीक नहीं कर रहे। जिस आग को छेड़ रहे हो, पूरा घर जल के राख हो जाएगा। ये गीतार फपकी किसी और को देना गुलकंद। हम चुप हैं इसका मतलब ही नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, और तुम अच्छे से जानती हो अगर हम अपनी पे उतर आए तो क्या कर सकते हैं। और हमने जो तुम्हारे साथ किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम देव का शादी में अड़ंगा अड़ा गई थी। तो क्या सोच के बैठे थे तुम लोग कि तुम लोग गलती पे गलती करते जाओगे और हम बैठ के तुम लोग का तमाशा देखेंगे। तुम सब जानते हैं गुलकंद, दूध की धुली हुई तुम भी नहीं हो। हाँ नहीं, और इस घर में रह के कोई दूध का दूल्हा हो भी नहीं सकता है। पर तुम लोग के जैसा बेहुदा नहीं। अरे तुम सब मिलके देव का जिंदगी बर्बाद कर दिए। ये सब जो हुआ है ना उसका कारण सिर्फ तुम हो। तुम ही जाके उस पायल को सब सच बताई ना। अगर नहीं बताती तो आज सब खुश होते। बेहायागिरी का भी हद है। लोग धोखा में ही सही लेकिन खुश रहे, सच का सामना कोई ना करे। अरे डायन भी सात घर छोड़ के डंक मारती है, पर तुम लोग तो उससे भी गिरे हुए निकले जो अपना ही भाई का जिंदगी बर्बाद कर दिए। देखो गुलकंद, तुम इस घर में कैसे रहती हो और क्या करती हो इस बात से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुमने हमारे बर्दाश्त की हद पार करने की कोशिश की तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ना तो हम तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना तुमसे बहस करके अपना वक्त बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान से सुन लो, अगर तुमने हमको और उकसाया या हमारे और हमारे बच्चों के बीच में आई तो हम उस हद तक जाएंगे जो तुम अपने सपनों में भी सोच नहीं सकती।